नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सीएम जयराम ठाकुर समान नागरिक संहिता अच्छा कदम प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में स्टेट मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता एक अच्छा कदम है, विचार विमर्श करने के बाद प्रदेश में इसे लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय दो वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले 1037 TGT नियमित। जी हां, हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले 1037 TGT नियमित कर दिए हैं। सोमवार को निदेशालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इन नियमित शिक्षकों को अब प्रतिमाह 38,100 रुपये का पे मैट्रिक्स और अन्य भत्ते मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। कोरोना हिमाचल में रैंडम सैंपलिंग के निर्देश, जिला अस्पतालों में भेजी स्वास्थ्य सामग्री। जी हां, कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों के सैंपल लेगी। सरकार ने चारों मैक्स शिफ्ट अस्पतालों शिमला, कांगड़ा, नेरचौक और नालागढ़ को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्तों को प्रतिदिन 500 सैंपल लेने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री की सप्लाई भेजी है। गाँव में लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को टीमें भेजने को कहा है। हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने से यह व्यवस्था की गई है। हिमपेट पेट्रोल पंप घोटाला, हिमाचल सरकार ने जांच के लिए SP शिमला की अध्यक्षता में गठित की SIT। जी, हिमाचल प्रदेश के ठियोग के जगेड़ी हिमपेट पेट्रोल पंप में हुए करीब 1.30 करोड़ रुपये के घोटाले की जाँच के लिए पुलिस मुख्यालय ने विशेष जाँच दल का गठन किया है। सोमवार को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने SIT अधिसूचित की है। SP शिमला मोनिका भुंडूगरू की अध्यक्षता में SIT बनाई गई है। SP क्राइम वीरेंद्र कालिया, अतिरिक्त SP साइबर क्राइम नरवीर सिंह राठौर और DSP सिटी शिमला मंगत राम को सदस्य बनाया गया है। SIT पेट्रोल पंप घोटाले की पेशेवर और निष्पक्ष जाँच करेगी। JOAIT पेपर लीक मामला, सरकार ने दिए जाँच के आदेश, एक हफ्ते के भीतर मांगी रिपोर्ट। जी हां, JOAIT पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुंदरनगर में सामने आए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच जारी है। पेपर दोबारा होगा या नहीं, इसको लेकर जाँच रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब 19 जून को PET और 26 को होगा LEET, परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। जी हां, बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का तिथियों में बदलाव किया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल के तहत अब 19 जून को PET और 26 जून को LEET होगा। बोर्ड ने यह बदलाव CBSE बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं के चलते लिया है। खेल विभाग धर्मशाला में 10 मई को होगी राज्य स्तरीय ओपन मैराथन। जी हां, धर्मशाला में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में हिमालयन दौड़ ओपन मैराथन के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर ADM रोहित राठौर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें ADM ने पुलिस विभाग को ट्रैफिक, जल शक्ति विभाग को पानी तथा चिकित्सा विभाग को एम्बुलेंस, डॉक्टर व पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हिमाचल सड़क, पानी, भवन निर्माण और अन्य योजनाओं के 72 टेंडर रद्द। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सड़कों, पेयजल, भवन निर्माण और अन्य विकास योजनाओं के 72 टेंडर रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई पिछले 20 दिन में की गई है। बताया जा रहा है कि नियमों के तहत निविदाएं नहीं आने के कारण 1 से लेकर 22 अप्रैल तक के टेंडर रद्द हुए हैं। टेंडर रद्द होने से जहां विभागीय कार्यों में देरी होगी, वहीं लोगों को भी संबंधित योजनाओं का समय पर लाभ नहीं होगा। मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात होंगे 2-2 डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किए प्रस्ताव। जी, हिमाचल प्रदेश के मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों में 2-2 डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसके अलावा लोगों को घर द्वार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मोबाइल क्लिनिक खोले जाने हैं। इसमें 144 डॉक्टर मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा है।
जून से लोगों को यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। घोटाला, शिक्षा सचिवों के हस्ताक्षर बिना जारी हुई थी 500 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्तियां। जी हां, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को शिक्षित सचिवों के हस्ताक्षरों के बिना ही 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि की छात्रवृत्ति जारी कर दी थी। वर्ष 2010 से लेकर 2017 तक किसी भी शिक्षा सचिवों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर काउंटर साइन नहीं किए थे। प्रदेश का बहुचर्चित 250 करोड़ की राशि का छात्रवृत्ति घोटाला भी इसी समय अवधि का है। बड़ा फैसला, जहरीली शराब से 7 मौतों के बाद हिमाचल की कांगू पंचायत में नशे पर लगा प्रतिबंध। जी हां, जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर विकास खंड की ग्राम पंचायत कांगू में नशा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक द्रव्यों, शराब, चिट्टा, भांग, गांजा, चरस, धूम्रपान और अन्य प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा। पंचायत क्षेत्र में होने वाले हर प्रकार के समारोह में मादक द्रव्यों के वितरण और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। पंचायत के आदेशों की अवहेलना करने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना होगा। मामला पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा। रविवार को प्रधान रोशन लाल की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में यह फैसला लिया गया। हिमाचल अस्पताल आने वाले मरीजों के फिर होंगे कोरोना टेस्ट। सरकार ने सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। जी, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले सभी मरीजों के फिर कोरोना टेस्ट होंगे। दिल्ली और प्रदेश के अन्य पड़ोसी राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने जिलों के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। सिरमौर के 3 लाख हाटियों को जनजातीय दर्जा देने की तैयारी, RGI ने दी सकारात्मक रिपोर्ट। जी, हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में सिरमौर जिले के हाटी क्षेत्र के करीब 3 लाख लोगों को जनजातीय दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है। जनजातीय दर्जे की मांग पर 50 साल में पहली बार भारत के महापंजीयक ने सकारात्मक रिपोर्ट दी है। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मिलने पहुंचे हाटी समिति के प्रतिनिधि मंडल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी है। शाह ने कहा है कि सकारात्मक रिपोर्ट मिली है। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, मंडी हवाई अड्डे के निर्माण का रास्ता साफ, संयुक्त उपक्रम का गठन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया है। नई दिल्ली में सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस हवाई अड्डे की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपये है। 51% राज्य सरकार और 49% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खर्च करेगी। वही चलते हैं आज की आखिरी खबर, हाईकोर्ट का पुलिसकर्मी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों पर दखल से इनकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहे पुलिसकर्मी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाले आदेशों में फेरबदल करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक चौहान ने पार्थी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि अनुशासित बल के एक सदस्य याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उसने सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गांव से देख रहे हैं।